एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है भाई दोज और दिनांक कह रही हूँ, दिन क्या है? मंडे। आज है मंडे और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अभी मैं तैयार होंगी। बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि पानी वानी कुछ नहीं था, बारिश आ गई थी। अभी भी मौसम ठंडा तो हो ही गया है, खैर नवंबर में हो जाता है, लेकिन बारिश आने से थोड़ा सा और हो गया है। और पानी, लाइट, सब कुछ, लाइट तो आ गई थी लेकिन पूरी रात नहीं थी, सुबह में आ गई थी, फिर पानी लेट आया जिसकी वजह से सब कुछ लेट लेट हो रहा है। और मैंने आज साड़ी पहन ली है, मैंने कहा दिवाली पे भी नहीं पहनी थी तो साड़ी पहन लेते हैं। अभी तैयार होंगी, फिलहाल झुमके पहन लिए हैं, चूड़ियां वगैरह भी डालूंगी अभी हाथों में। मुझे एक कमेंट आ रहा था, नाम तो मैं भूल गई हूँ क्योंकि उसी दिन पड़ा था, होली वाले दिन जब मैंने चूड़ियां पहनी हुई थी, तो चूड़ियां पहना करो रश्मि, अच्छी लगती हैं, तो चूड़ियां पहनूंगी मैं। और यहाँ देखिए ये कौन है, वो भाभी हैं, भूमि है, तैयार हो रहे हैं। अभी भूमि को और गुड्डू को थोड़ा सा मैं तैयार करूंगी। भूमि गुड्डू को कर रही थी लाइनर वगैरह, मैंने कहा नहीं, मैं दोनों को मैं थोड़ा सा तैयार करूंगी। अभी बस वो रह गए हैं नहाने के लिए क्योंकि ये अपने काम से गए थे। और ये गुड्डू लहंगा खड़ी हुई हो जरा, और ये लहंगा मैंने मीशो से मंगाया है अपने पैसे देकर, मुझे रिव्यू के लिए नहीं आया, मैंने मंगाया है क्योंकि गुड्डू को पसंद आ गया था। अगर ये रिव्यू के लिए होता आप समझ सकते हैं मैं अलग से वीडियो बनाती आपको दिखाती, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि अच्छा आ गया, ठीक ठाक है 700 रूपये में। ये हमने फिर स्टिच करवाया इसके हिसाब से, बड़े का था ये, काफी कटपिट हुआ इसमें क्योंकि काफी बड़े का था। तो गुड्डू प्यारी लग रही है, ब्लैक कलर को इसको पहनना था, ब्लैक कलर का लहंगा दिवाली पे पहनना था लेकिन दिवाली पे बन नहीं पाया, आज पहना है भाई दोज पे। तो फटाफट से हम लोग तैयारी करते हैं, तैयार श्यार होते हैं, फिर भैया दोज करेंगे। गुड्डू का तो वो हो चुका, गुड्डू को वो हो चुका ना, मतलब गुड्डू का क्या बोलते हैं उसको, पैसे मिल गए गुड्डू का, तो भाई दोज शुरू हो गया, खाता खुल गया गुड्डू का। मयूर ने कराया ना सबसे पहले, खाता खुल गया गुड्डू का, अभी सब कराएंगे। अभी तो गुड्डू के पापा कराएंगे, भूमि करेगी और तन्मय का होगा। चल तब गुड्डू तेरे को और भूमि को तैयार करती हूँ। बहन भाई का ये प्यारा सा दिन, टिक्का करना, रक्षाबंधन पे राखी बंधवाना, बहुत ही प्यारे दिन होते हैं भाई बहनों के। और यहाँ पे तन्मय और गुड्डू की लड़ाई भी हो रही थी, गुड्डू बोल रही थी मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, होता ही है। और ये दिन ऐसे लगता है कि इस दिन मांग लो, बेशक हमें रोज़ मिलते हो लेकिन इस दिन ये लगता है आज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, मम्मी पापा भी मना नहीं करेंगे। तो ये जो लहंगा है हमने गुड्डू को पहले ही बोल दिया था कि भैया ये तुम्हारे भाई दोज का हो जाएगा तन्मय की तरफ से। और यहाँ पे हमारे तन्मय महाराज ने रुमाल नहीं रखा था तो उसके सर पे दुपट्टा रख के बैठी थी और वो लड़ रहा था उसको पैसे देते हुए कि मुझे भी चाहिए, मैं क्यों दूँ उसको, उसको ये था ये मेरे पैसे हैं। तो यहाँ पे ये गिफ्ट आप सोच रहे होंगे ये मैं कैसे ओपन कर रही हूँ, कौन सा गिफ्ट है, किसने दिया है, किसको मिला है। तो ये गिफ्ट मिला है तन्मय को, तन्मय टिक्का करवाने, राखी करवाने सामने गरिमा रो के पास भी जाता है जहाँ वो ट्यूशन पढ़ता है, तो गरिमा ने उसको ये लाके दिया है, बहुत ही प्यारा सा हुड जो कि हमें सबको बहुत पसंद आया और गिफ्ट है जो कि बहुत प्यार से उसने दिया है, तो वो और भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। मैं पैसे नहीं, गिफ्ट लूंगी। पापा पापा चावल चावल, कोई नहीं बेटा रहने दे, मान लो ये गेरे नाली गेरे चिपकी ने ना सूखा है, तू खा ले, मुझे पसंद नहीं है, इधर बैठ इधर बैठते, इधर चलो जहाँ मर्जी
तेल डाल 300 रुपीज चाहिए। मैं मोबाइल लेके आऊँ। चल चल तेरे से नहीं मैं पैसे। तो तन्मय, गुड्डू, विपिन सबका टिक्का हो चुका है। अब बारी आ गई है मेरे टिक्के करने की। मैं इत्मीनान से कर रही हूँ ताकि कोई जल्दबाजी ना हो, ये ना बोलें जल्दी करो, या गुड्डू या तन्मय। और तन्मय तो पूरा बिखरता ही रहा कि मुझे भी पैसे चाहिए, मैं क्यों दूँ किसी को। तो यहाँ पे बस मैं फिर भूमिका करने लगी हूँ टिक्का। खूब पढ़ना लिखना, मम्मी की खूब वो करना, नाम रोशन। एक और गोला लेके आओ। ये तो तन्मय का है, इसने दिया। गुड्डू दो गोले लेके आओ, मैंने मंगाए हैं। आओ भाभी। तो आखिर में बची हैं भाभी, उनका भी मैं टिक्का कर दूंगी। सबका हमारे घर में टिक्का हो चुका है, जिस जिसका भी होना है। तो यहाँ पे मैं भाभी का टिक्का कर दूंगी। और त्योहार आए भी जल्दी जल्दी और अब चले भी गए, साल भर इंतजार करेंगे अब इन त्योहारों का। तो गुल्लक में जमा रहती पर मम्मी नहीं आरती भाभी। ऐसे पैर पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। मैं किसी ने नहीं लगाया, मैं लगा लेती हूँ। इसको पूछ रही हूँ, थोड़ा सा मीठा भी खा लेती हूँ खुद ही खुद। ये जीरा जी बंद करी हूँ, उसे बंद कर। मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं, अपना ये वाला सूट पहन लिया है जो आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा था ये सूट। तो मैंने ये पहन लिया है, गर्म सूट है, ठंड हो रही है, साड़ी में स्वेटर डाल के ऊपर से मुझसे नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैंने कहा साड़ी चेंज कर लेते हैं। और हम जा रहे हैं घूमने के लिए, इसलिए मैंने चेंज किया है। घर में रहते तो साड़ी में भी मैं कर लेती, लेकिन जब कहीं जाओ तो संभाली नहीं जाती फिर साड़ी, क्योंकि आदत नहीं है पहनने की। और बस यहाँ पे हम सब तैयार हैं, ये भी तैयार है, और तन्मय को जैकेट पहना दी है क्योंकि बाहर ठंड हो रही है। धूप तो निकल गई बाहर पर ठंड हो रही है। और ये वाली झुमकी पहनी मैंने, चेंज कर लूँ क्या, हल्की हल्की पहन लू, यही पहने रखू, हल्की हल्की पहन लू। पहने हुए थे आपने कब, जब आप उज्जैन करने गए थे दिवाली वाले दिन शायद, वो पहनू। हाँ वो अच्छे है, वो लंबे से है ना, तो सूट पे ज्यादा अच्छे लगेंगे। चल देखती हैं, उस दिन भी मैंने तेरी मर्जी से ही पहने थे वो, पर ये भारी हो जाएंगे। ये साड़ी के लिए ठीक है ना, इस सूट पे उतार देते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े हो रहे हैं और ना इतना अच्छे लग रहे हैं सूट पे। चल दूसरे निकालती हूँ, निकाल लीजिए वो डब्बा। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो आसपास का व्यू हो, चाहे वो कोई जगह हो, जो मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि मेरे को लगता है कि वो चीज़ आपको भी अच्छी लगेगी, या मेरे को अच्छी लगती है तो मेरे को लगता है कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि क्या सच में ये जो नज़ारा भी दिखाया आपको अच्छा लग रहा है, और मैं नज़ारा दिखा रही हूँ आपको हम सब का। हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं, इनके फ्रेंड की गाड़ी से आए हैं, क्योंकि अपनी वाली गाड़ी में हमारा आना मुश्किल हो जाता। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया। सब साथ में होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, और कहीं भी ऐसे साथ में जाओ वो अच्छा लगता है, चाहे उसमें थोड़ा सा जो है किसी ना किसी को एडजस्ट भले ही करना पड़े। तो यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देखकर समझ गए होंगे हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब। आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, मन्नतें मांग लीजिए और होकर आइए, जिन जिन का मन कर गया है मत्था टेकने का
जो यहाँ आसपास से हैं जा सकते हैं, तो यहाँ पर आए हैं। हम कहीं भी नहीं जाने वाले थे, हमने रात में प्लान बनाया था कि कहीं लेकर चलेंगे भूमि को, मेरा और विपिन का प्लान था, क्योंकि बच्चे को होता है कहीं जाएं तो भाई बुआ घुमा कर लाएगी, और ये भी होता है ना हम जाके बताएंगे कि हम भाई बुआ यहाँ घुमा कर लाई, फोटो खींचते हैं तो वो दिखाते हैं, तो मेरे को यही था कि यार बच्चे का मन होता ही है। तो पहले प्लान बना रात में, फिर कैंसिल हुआ, फिर सुबह में बना, और फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ चलते हैं, मत्था टेक कर आते हैं, सबसे अच्छी जगह। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। सेफ्टी का बहुत ही बढ़िया इंतजाम था, जैसे कि कोरोना चल रहा है आप लोगों ने भी देखा होगा। चलिए दर्शन कराने के बाद आपको आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं ना सामने जो पुल दिख रहा है, उसी पुल से होते हुए हम आए हैं गुरुद्वारा साहिब। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं जो यमुना जी हैं। आपको एक बात बताऊँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ना पानी यमुना जी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे कि आप अगर यहाँ से हैं या कहीं से भी हैं, आपने आसपास देखा ही होगा कि जैसे यमुना जी गंगा जी पानी की कितनी आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फ़ोटो वगैरह निकलवा रहे हैं, कोई इधर से खड़ा होके कोई उधर से खड़ा होके, तो मैं रह गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी सबके साथ फ़ोटो निकलवाएंगे, और अच्छा रहता है बाद में हम लोग बैठ कर देखते हैं, फिर डीपीज़ वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस सबको मैं इकट्ठा कर रही थी, आ जाओ कुछ फ़ोटोज़ भाभीियों के साथ दोनों के, कुछ बच्चों के साथ, कुछ सबके साथ, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि चलो पहले हम अपनी खींच लेते हैं, फिर उसके बाद हम सबकी फ़ोटो ले लेना। और तन्मय तो पूरा खुश हो रखा है क्योंकि उसको तो अच्छा लगता है, बस बाहर निकलो मस्ती करो मज़े करो, उसको मौका चाहिए जो कि बहुत कम मिलता है आजकल। लेकिन फिर भी हम लोग निकल ही जाते हैं किसी ना किसी बहाने से, जैसे अभी भाभीहरों के बहाने से हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर कितना, मतलब ये आसन बैराज है, और यहाँ पे देखिए पानी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा था कि फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई रिकॉर्ड करे बगैर, और आप लोगों को भी दिखाया। पहले मैं देखे जा रही थी एक टक लगाकर, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जब तक आप लोगों को दिखाना शुरू किया तब तक ये जो है लगभग ख़त्म होने को आ गया था। कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई जो चीज़ मैं देखती हूँ आप लोगों को भी देखनी अच्छी लगती है। हो सकता है सबको ना लगती हो क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, रास्ते में जो है एक पार्क आता है इसी रास्ते में, वहाँ भी चले जाएंगे, जो कि रास्ते में ही प्लान बना के पहले घर आ रहे थे, फिर ये था कि चलो हम पार्क में चलते हैं, इसी रास्ते पर है, बच्चे थोड़ा और घूम लेंगे। हमने विपिन का चश्मा ले लिया, मैंने कहा थोड़े से खूबसूरत लगेंगे, डार्क सर्कल छुप जाएंगे, और इस चश्मे में सब लगा लगा के अभी फोटो खिंचवाएंगे। क्यों भाभी आप भी खिंचवाओगे ना? हाय या तो गजब लगेगी। तो हम और हम आ गए हैं पार्क में, कौन सा पार्क है? डियर पार्क है ना, डियर पार्क है, उसमें हम आ चुके हैं एक बार, जो कि इसमें डियर एक भी नहीं है। तो देखिए सामने पहाड़ का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, धीरे धीरे सूरज जा रहा है, दिन छिप रहा है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है सीधी साइड आ रही है पहाड़ों पर, और बादल ऐसे गिरे गिरे से हो रहे हैं, घटा सी हो रही है कभी कभी। तो आ गए हैं पार्क में अंदर, क्योंकि थोड़ा सा चलना पड़ता है इस वाले पार्क में, और मैं झूला झूल रही हूँ। भाभी को बोला था, लेकिन भाभी मतलब मेरी जो भाभी हैं वो, उनको झूलने से थोड़ा सा वो हो जाता है जी सा मिचलाना, चक्कर से आने, तो वो नहीं बैठी थी, एक आधी बार बस उन्होंने झूला, बस छुट्टी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के पार्क में जाना, वहाँ झूलना, स्पेशली झूलना ही, इसीलिए मैं चली जाती हूँ बच्चों के साथ। मैंने कहा यार यहाँ पर तो ज़रूर जाएंगे, यहाँ पर झूलने को मिलेगा। तो बस मैं देखिए कितना झूल रही हूँ, बहुत झूली मैं जब तक यहाँ रही, जब तक मतलब बोले तो यहाँ पे हम आधा घंटा ही रहे होंगे, और बच्चे लोग भी जो है सब झूल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तन्मय गुड्डू खूब मस्ती कर रहे हैं, भूमि को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी की वजह से हम लोग जो है आज स्पेशली आए विपिन ने छुट्टी की, कि हाँ भाई चलो भूमि को घुमा कर लाना है,
क्योंकि उसको रहता है कि भाई बुआ के यहाँ जा रहे हैं, बुआ कहीं ना कहीं लेकर जाएगी, देहरादून में है बुआ, उसको ये रहता है कि देहरादून में तो बहुत सारी जगह हैं। फिर बच्चे होते हैं ना, फिर जाकर बताते हैं हम तो अपनी बुआ के यहाँ गए थे, बुआ यहाँ लेकर गई थी, तो ये बस। और भूमि को खुश देख कर बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं पागलपंती, मैंने सारे बाल ऐसे करके मैं सबको डरा रही थी और झूले से आवाज़ भी आ रही थी अजीब सी, तो पागलपंती कर रही थी। पागलपंती भी ज़रूरी होती है ना, तो बस वही मैं कर रही थी और सब बहुत हंसे, सबने बहुत इंजॉय किया उस पागलपंती को। बस अब निकल चुके हैं पार्क से, तो देख रहे होंगे आप दोनों भाभियों ने स्वेटर डाले हुए हैं क्योंकि ठंडे कपड़े पहने हुए हैं। मैंने नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैंने गर्म सूट पहना हुआ है और ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं लगी कि हाँ भाई खिड़खिड़ाहट हो यो ठंड लगी हो, तो बस हाथों में हाथ लेकर चल दिए हम लोग यहाँ से। घर आ चुके हैं और 5 बजने वाले हैं और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो आ रही हैं। विपिन से बात हुई है फोन पर, उनकी या उनके हस्बैंड की, अभी इनको पूछूंगी, तो इस वजह से जल्दी जल्दी आ गए, कहीं और नहीं गए, उनसे मिलेंगे। वो शायद आगरा से आए हैं जो विपिन ने मुझे बताया, बाकी अभी उनसे पूछूंगी कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो बस हम सभी लोग अभी बैठे हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं से भी आते हैं जब फोटो खींचते हैं तो आके चेक करते हैं कौन सी अच्छी है, जो खराब है उसको डिलीट करो, जो सबसे अच्छी है उसको डीपी पे लगाओ, उसको स्टेटस पे लगाओ, जो लोग FB और इंस्टा यूज करते हैं उस पे लगाते हैं, हम लोग व्हाट्सअप तक ही सीमित हैं, व्हाट्सअप पर लगा लेते हैं। तो अभी वो देखेंगे सारी फोटोज, जब तक वो नहीं आते हैं। मैं चाय बनाने का सोची थी, मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, पर ऐसे फोन पे नहीं पूछा जाता ना विपिन से कितने बंदे हैं, उसके हिसाब से जैसे चाय वाय बना के रेडी रखेंगे है ना, तो तभी बनाएंगे चाय वाय। फिलहाल हम फोटो देखते हैं, आप लोगों को दिखाते। फोन आ रहा किसी का, बहुत सारी फोटो ली है, एक ही एक ही बहुत सारी है, ये सबकी है, ये भी सबकी है, काफी सारी है। हम लोगों का हो चुका है और टाइम क्या हो रहा है, 9:38 नहीं 9:08 आठ है, ये 38 नहीं है, 38 नहीं, 9 क्या लिखा है, ये 9 के बाद क्या लिखा है, ये 9 के बाद 38 हाँ, तो वो 9:38 होता है। आ जाओ बदल लेना, आटे हो तो मैं मामी को बुलाई हूँ। खाना पीना हो चुका है और खाना पीना खाने के बाद मैं अब आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई कल, कोई हमने व्लॉग नहीं बनाया, गोवर्धन था कल, और ऐसे ही होता है जब कोई आता है टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, जबकि हम दोनों ने बैठ के कोई ऐसी बातचीत भी नहीं करी कि भाई घंटों हमने बातचीत करी हो ना। अच्छा हम तीनों ने, हम चारों ने, ये भी तो है हमारी फैमिली का। हाँ ये भी तो है। कल नेहा नहीं आई थी, फिर लेट काम में लगे, लेट निमटे, तो फिर वैसे टाइम नहीं लग पाया, पूरा दिन ऐसे हो गया, पूरा दिन ऐसे ही हो गया। मशीन वगैरह लगा ली थी क्योंकि मुझे था कि भाई हम आज घूमने जाएंगे तो मशीन लगेगी नहीं, और वो बहुत अच्छा हुआ कि मशीन लगा ली आज क्योंकि मौसम खराब हो गया था। घूम लिया, मजे आ गए तेरे भूमि की वजह से? हाँ मम्मी, घूमने की वजह से मजे आ गए। ट्यूशन की छुट्टी, अब कल से कंटिन्यू जाना है ट्यूशन। हम भूमि गएगी कल, भूमि चली जाएगी ना, भूमि कल चली जाएगी? नहीं नहीं मम्मी, उसे एक बार रुकना पड़ेगा, बस एक बार। ये रुकी नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ एक दिन रुक जाओ, रुकने से ले तो आई मैं जल्दी, एक दिन और रुक जाओ, कल कल मैंने बोल दिया मैं कि सुबह आ जाऊंगी, तुम छुट्टी कर लेना। क्यों बोला? शाम को मैं ड्यूटी चली जाऊंगी। मना कर दो अपनी है ना भाई तन्मय? हाँ मना कर दो, मना कर दो, हाँ गंदी बात। बस फिर तो फिर ही है, एक साल में ही होता है फिर तो। क्या गर्मी में? तो चलो, इनको तो कितना बोल रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहे है ना वेतन में, इसलिए तो मैं जल्दी आई, और पता ही नहीं चला ये 2-3 दिन कब निकल गए। छोटी दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन भैया दो, ये चौथा दिन है आज।
ऐसे लग रहा है आज ही आयो। तो ये 2-3 दिन कैसे निकले पता नहीं चला बिल्कुल भी, और इस बीच मैंने कोई 2 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे कि छोटी दिवाली पे नहीं किया था जिस दिन ही आए थे, बड़ी दिवाली पे किया था, फिर गोवर्धन पे नहीं किया, आज कर रही हूँ भाई दोज पे, वो भी भाई दोज था, मैंने कहा चलो भाई ये यादें होती है ना, तन्मय गुड्डू भूमि बड़े होके देखेंगे टिक्का करते हुए तो याद करेंगे वो दिन वो पल, तो इसलिए मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई आज भी, घूमने चले गए थे थोड़ा सा, फिर वो आए थे, मैंने बताया था मेरे सब्सक्राइबर हैं आगरा से आए थे, उनका घर देहरादून में भी है, तो वो फिर मतलब यहाँ वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आए, बहुत परेशान हुए, जैसे तैसे उनको विपिन का नंबर मिला, फिर वो मैं उन तक पहुंच पाई, क्योंकि इतना प्यार इतने कितने अच्छे थे है ना, अच्छे थे बहुत अच्छे थे, इनके लिए चॉकलेट्स आई है, इतनी दूर से आना, बेशक उनका घर है देहरादून में लेकिन देहरादून से यहाँ आना वो स्पेशली मेरे लिए आए, बहुत परेशान हुए, 1 बजे से मुझे ढूंढ रहे थे कि मैं मतलब मेरा पता पता चल जाए उनको, मेल उन्होंने किया नहीं था, और जो दूसरा और पहली बात अगर आज वो मेल कर भी देते ना तो चेक करना मुश्किल था, क्योंकि हम लोग घूमने गए हुए थे, घूमने जाते हैं तो ना तो मेल चेक होता है, बट हम ऑनलाइन ही नहीं होते हैं कहीं पर भी, तो इस वजह से, और जो दूसरा नंबर है मेरा उस पे भी वो मैसेज करते हो तो वो भी चेक ना होता, वो भी मैंने शाम को ही चेक किया, आज पूरा दिन चेक नहीं किया था, कल रात चेक किया था। तो बहुत अच्छा लगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, सबको बहुत अच्छा लगा, चाहे ये वाली भाभी हो चाहे वो वाली भाभी हो चाहे मैं हूँ, विपिन को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो के साथ याद रहेगा भाई दोज पर वो आए है ना, याद रहेगा हमेशा भाई दोज पर आए, स्पेशल बना दिया उन्होंने भैया दोज। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को ना यहीं पर एंड कर देते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। कल का दिन थोड़ा सा अजीब रहेगा, मन लग रहा था घर में, रोना को रही थी, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, कल ये लोग जब चले जाएंगे, कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बड़ा आएगा है ना, तो मैं क्या करूंगा, कल तू चला जाएगा तो चलिए फिर गुड नाइट, कल मिलेंगे आप सबसे, अगर वीडियो रिकॉर्ड किया, चलिए बाय बाय गुड नाइट।